अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल, शिव जी को चढ़ा कर। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा देख, क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए, और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे, वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया, ले लो तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार, नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो, एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए। आंख का पुष्प जो आंकड़े का पुष्प होता है शंकर को बड़ा प्रिय है, और दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प, सरसों होती है ना जो राई अपन बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है, हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती, अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है, या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहाँ ब्लड पहुँच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहाँ शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी, तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग, मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए, और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे फिर वापिस आएंगे मणिभद्र के रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए, शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए, शिव जी को उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए, और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15-20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए, बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर श्री। अरे पहले बोल दिया, हमारे साथ तो बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हार श्रृंगार का फूल भी कहते हैं, जिसको शिडली का फूल भी कहते हैं, पारिजात हार। जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं वो भी इस पारिजात के फूल का दर्शन अवश्य कर, और एलईडियां लगी हुई हैं उन पर भी आप आराम से पारिजात के फूल का दर्शन कर सकते हैं। पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का फूल, ऊपर से सफेद, नीचे जो उसकी डंडी होती है वो थोड़ी नारंगी होती है, संतरे के कलर की होती है, नारंगी कलर। महाराज रात्रि में खिलने वाला ये फूल, रात्रि में जो फूल खिलता है ये पारिजात का, और हार श्रृंगार का जो ये पुष्प है जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं, पारिजात भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको शिडली का पुष्प भी कहते हैं। ऊपर से सफेद होता है, नीचे उसकी जो डंडी होती है वो नारंगी कलर की होती है। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। जिस समय पर संतान की प्राप्ति नहीं होती या किसी कारणवश, किसी कारण से हमारे यहां वंश की वृद्धि नहीं होती, तब देवाधिदेव महादेव की आराधना पारिजात के फूल से करी जाती है। अब उस पुष्प को चढ़ाने का एक तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा। पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठे हो, उसको समझिए। पारिजात का जो फूल शिव जी को चढ़ता है, भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ता है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल नीचे गिरने का स्थान। आप लोगों ने पहले कथा सुनी है ना सबने, आपको सबको मालूम होगा, राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह, जहां पर ये शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल। शिवलिंग के रूप में, शंकर भगवान के रूप में ये शिवलिंग है। ऊपर से जो एक एक बूंद जलाधारी नीचे गिरती है वो शंकर भगवान की पांच लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की पांच बेटियां। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है, जब हम अपना सुख सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर होता है। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह, जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल पे से उठाकर देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगह पर पारिजात के पुष्प की डंडी के
केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करी जाती है। अब पारिजात के फूल का केसर कैसे बनाना है वो भी एक बार आप लोग अच्छे से समझें। जैसे मान लो अभी पारिजात का तो फूल यहां पर नहीं है, पर आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, पारिजात पुष्प की जो पीछे की डंडी होती है, फूल सफेद और पीछे जो डंडी होती है नारंगी कलर की, केसरिया कलर की, उसको तोड़ लिया जाता है। तोड़कर ऐसी 25-50 फूल की पीछे की डंडी को तोड़कर उसको रख दिया जाता है। उसको धूप में नहीं सुखाते, केवल घर में उसको एक कटोरी में या थाली में रख दो, वो धीरे धीरे सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको पीस लो, पीसकर उसका चंदन तैयार हो जाएगा पारिजात फूल की उस डंडी का। और जिस समय वंश के लिए, सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए या वैभव प्राप्ति के लिए हम पारिजात का पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, उस समय इसी को पानी में घोलकर देवादिदेव महादेव को जब आप लगाएंगे तो जैसे केसर घुलती है, केसर का जैसे कलर होता है, केसर जैसी सुगंध करती है, वैसे की वैसे ही ये पारिजात की जो डंडी आप लोगों ने सुखाई है, वही डंडी का जो चंदन बनाया है, शिव जी को लेपन करा है, उस समय पर अपने हृदय की बात आपने जो देवादिदेव महादेव को कही है, बस वही सुगंध हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाती है, वो पार जा हार श्रृंगार। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हार श्रृंगार के पुष्प, पारिजात का जो पुष्प है, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यदि हम देव अधिदेव महादेव की पारिजात के फूल से आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल भी हमें अधिक प्राप्त होता है। पारिजात का हम तो यहां तक कहेंगे, अगर आपके यहाँ हार श्रृंगार का पेड़ लगा हो, पारिजात का पुष्प यदि आपके यहाँ होता हो, रात को खिलता है, सवेरे मिलता है, ऐसा पारिजात का अगर वृक्ष आपके यहाँ लगा हो तो प्रयास करना। 12 महीने शिवरात्रि आती है, बोलो आती कि नहीं आती? आती है ना 12 महीने? 12 महीने शिवरात्रि आती है। कैलेंडर पर एक गोला बनाकर रख देना कि हमको ये शिवरात्रि आई है, हर महीने की शिवरात्रि तुम्हारे ध्यान में रहेगी, एक पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का पुष्प एक अगर देवादिदेव महादेव को आपने चढ़ाना चालू कर दिया, समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, तो आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव हाथ पकड़ ही रहता। पारिजात का पुष्प शिव को समर्पित। सफेद कलर का पुष्प है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, केसरिया कलर की, नारंगी कलर की उसकी डंडी है, भगवान शिव को समर्पित। जब हम देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं, उस समय पर भी भगवान को अगर तुम्हारे पास में थोड़ा सा पारिजात की जो डंडी है सुखाई है, आपने पारिजात फूल के नीचे की जो डंडी है उसको तुमने सुखाकर अगर चंदन बनाया है, तो वो चंदन आप प्रतिदिन भी देवादिदेव महादेव को समर्पित कर सकते हो। पारिजात पुष्प। एक बात और हमारे स्मरण में रहे, भगवान शिव को जो ये 5 तरह के पुष्प समर्पित करे जाते हैं, इन पुष्पों की डंडी जो पीछे लगी होती है इसको तोड़ा नहीं जाता शिव जी को चढ़ाते समय, इसका स्मरण आपको रहे। ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण करें दर्शन सबने, ये दो सामने जो चरण है इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए और आपको लग रहा हो
कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा। तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, सदानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया, शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहाँ साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सबदूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया, या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया पर चिंता देवदित्य महादेव को लग गई, मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सबदूर जल चढ़ाकर चले गया। देवदिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है, ये शिव कह रहे हैं। ॐ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ॐ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।